For more such news and updates, do not forget to subscribe and hit the bell icon. दीपिका पादुकोण अपने फिल्म छपाक के प्रमोशन के लिए कपिल शर्मा के कॉमेडी शो द कपिल शर्मा शो के सेट पर पहुंची। इस दौरान सेट पे खूब मस्ती दिखी और कई राज भी खुले। जब कपिल शर्मा ने शो में उनसे पूछा कि क्या वो आम हाउसवाइफ की तरह सारे काम करती है, इस सवाल पर दीपिका पादुकोण ने बहुत ही मजेदार जवाब दिया। उन्होंने कहा, हाँ मैं रोज दूध खरीदती हूँ और महीने भर की ग्रेसरी शॉपिंग लिस्ट भी बनाती हूँ। जब कपिल शर्मा ने उनसे पूछा कि क्या वो अपने पति रणवीर के पर्स से पैसे भी निकालती है, इस पे दीपिका ने कहा, हाँ मैं आम हाउसवाइफ की तरह ही हूँ और मैं उनके पर्स से बिना बताए पैसे भी निकाल लेती हूँ। और भी कई खुलासे दीपिका पादुकोण ने किए, साथ ही सबने जमकर सेट पर खूब सारी मस्तियाँ भी की। दीपिका पादुकोण की ये फिल्म 10 जनवरी को रिलीज होने वाली है। दीपिका पादुकोण जल्द ही 83 में भी दिखाई देगी। 83 में दीपिका पादुकोण अपने पति रणवीर सिंह के साथ मुख्य भूमिका में नजर आएगी। तो दोस्तों, रणवीर के पर्स से दीपिका के पैसे चुरा लेने वाले हरकत पे आपकी क्या राय है, कमेंट कर हमें बताइएगा जरूर। और भी खबरों के लिए सब्सक्राइब करना ना भूले। गपशप तो